हम इस मुआशरे में रहते हैं जहां निकाह के वक्त शिया सुन्नी दियोबंदी वहाबी और जनाह के वक्त मुनासिब जगह देखी जाती है। जब कोई रूठ जाए तो और भी हसीन हो जाता है। कुर्बान जाऊं महबूब की इस अदा पर जो हमको बेबस कर देती है। ये वो कैफियत है जो हर मर्द नहीं समझ सकता और ये वो शिद्दत है जो हर औरत किसी मर्द को नहीं दे सकती। औरत नाज से गूंदी गई है और नाज की हकदार है। रूठना औरत का हक है और मनाना मर्द का फर्ज। मोहब्बत के कर्ज ऐसे ही लुटाए जाते हैं। रहम दिल्ली एक ऐसी जुबान है जिसे बहरे सुन सकते हैं और गूंगे पढ़ सकते हैं। वेशिया अपनी तारीख तिजारत के बावजूद रोशन रूह की मालिक हो सकती है। जिस तरह जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के लिए कसरत की ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरह जहन की सेहत बरकरार रखने के लिए जहनी वर्जिश की ज़रूरत होती है। तारीख के हसास इंसानों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त उदास रहकर गुजारा है। खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहसी की ज़रूरत है। मनाया नाराज होने वालों को जाता है, बेजार होने वालों को तो खुदा हाफिज कहा जाता है। हम ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जहां सच सिर्फ तब बोला जाता है जब किसी की दिल आज़ादी करनी हो। जहां रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए वहां दो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। एक काम करो, किसी औरत का भला कर दो, औरत 24 घंटे सिर्फ आपके बारे में सोचती रहेगी।